साथियों, एक कंफ्यूजन है सरकार में। कहने को पेपर पे कहीं भी लिखा देखा है मैंने कि अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री भी मैं हूँ, लेकिन मेरे पास अल्पसंख्यकों की जो स्कॉलरशिप होती है इससे अलग कुछ नहीं। अब वेलफेयर स्कीम का दे रखा है डीएम को, मेरी सीएम साहब से बात हुई है अभी, वो कह रहे कि आप आइडेंटिफाई कर लो क्या क्या सब्जेक्ट है। उन सारे सब्जेक्ट को अभी हम पता कर लें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। मेरा एक निवेदन है, फिलहाल ये रिकॉर्डिंग को रोक लो, रिकॉर्डिंग करने के समय बहुत आएंगे। अभी मेरा जो आज आपको बुलाने का एक उद्देश्य है, मैं नहीं जानता कि पिछली सरकारों ने उस पर काम किया, वो इस तरह करते थे या नहीं करते थे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहले कांग्रेस में भी काम कर चुके होंगे, वो शायद ज़्यादा बेहतर जाते। आज बुलाने का उद्देश्य ये है कि, बल्कि मैंने ये कहा था कि जो समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है हमें उनको बुलाना है। तो मेरे लिए आप सब सम्मान के पात्र हैं, तो मेरी सम्मान की बात है कि आप मेरे यहाँ आए, मेरा मान बढ़ाया आप लोगों ने। लेकिन आज आपको बुलाने का जो मेरा अपना उद्देश्य है वो ये है कि ये समाज इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। इस पे इस समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको ऐसा नहीं हो सकता मैं ये सोच रहा हूँ, उन बुद्धिजीवी लोगों ने भी जरूर इस पे गंभीरतापूर्वक चर्चा की होगी, सोचा होगा, और मैं अब इस पे काम करना चाहता हूँ। मंत्रालय मुझे केवल लिमिटेड है, केवल आपकी जो स्कॉलरशिप जो बाकी रह रहा है वो मैं ले लूँगा, इसलिए लूँगा। डीएम के पास है 2015 से, क्या कोई डीएम इस समाज के विकास की योजना बना रहा है? आपको किसी को पता उन्होंने क्या योजना बनाई आपके विकास की? नहीं बनाई। तो क्या इस मंत्रालय को इस समाज के बारे में सोचने की किसके पास टाइम नहीं है? सरकार ने तो ये सोच के उन्हें दिया होगा ना, डीएम है, आईएएस होता है, बहुत क्वालिफाइड है, इस समाज के विकास की योजना बनाएगा, लेकिन रिजल्ट तो नहीं है। मैं यहाँ कुर्सी पे मंत्री बनकर बैठने के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं आया भाई। मेरे पास तो जो जो विभाग है जिन जिन समाजों को से संबंधित है, मैं हर कीमत पे उनके साथ न्याय करूँगा। आज की मीटिंग को एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग बना देते हैं कि हम कम से कम एक दूसरे को जान लें। मीटिंग तो असली होंगी और लगातार चलेंगी, और उन मीटिंगों के माध्यम से स्कीम बनेंगी, और स्कीम को एक एक कॉलोनी में एक एक घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी। ऐसा नहीं है कि सरकार में स्कीम नहीं है, लेकिन क्या वो स्कीम समाज के लोगों को पता है? क्या समाज के लोग उन स्कीमों का अपने विकास में इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं इसके लिए समाज को दोषी ठहराने की बजाय अपनी सरकार को, अपने आप को दोषी ठहराऊंगा। ये तो हमें देखना चाहिए कि उन स्कीमों को लोगों तक कैसे पहुंचाएं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूँगा, दिल्ली सुल्का सुल्ट्रैक ओबीसी माइनॉरिटी हैंडीकैप्ड डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन जो स्पेशली इसी काम के लिए बनी है, उसमें माइनॉरिटी के युवा अगर अपना रोजगार करना चाहते हैं समूह का, तो उनको लोन चाहिए, और अगर उनको कोई नॉलेज नहीं है, खाली सीधा लोन लेंगे तो भी सफल नहीं होंगे, डूब जाएगा वो भी। पहले अपने माइनॉरिटी में से यंग बच्चों को आइडेंटिफाई करें हम, फिर उन बच्चों को उस डिपार्टमेंट के माध्यम से ट्रेनिंग दिलवाएं, इधर उनकी ट्रेनिंग पूरी हो और उधर उनकी लोन की प्रक्रिया पूरी हो। ट्रेनिंग पूरी होते ही उनको लोन तुरंत मिलना चाहिए, ताकि फिर वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें, खुद को भी और रोजगार दें और दो चार और बच्चों को रोजगार दें। इस तरीके से कड़ी से कड़ी देखते हम पूरे समाज को, हम दिल्ली तक सीमित क्यों रहे? भारत के पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल
माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की है, उसकी भी योजना है, लेकिन क्या वो सारी योजना आपको पता है? आपको यहाँ दिल्ली में रह के नहीं पता, तो दूर दराज के गाँव में माइनॉरिटी को बेचारे को क्या पता लगेगा? या योजना बनाई इसलिए आईवास के लिए दिखाने के लिए हमने योजना बना रखी है भाई, योजना तो बना रखी है, पर लोगों को लाभ मिल पा रहा है? अभी केंद्रीय सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने उत्तर भारत के 9 राज्यों के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रियों को लखनऊ में बुलाया इस पर चर्चा करने के लिए कि जो स्कीम है इसको कैसे लोगों तक पहुंचाएं। तो दिल्ली से मैं उसमें गया, हालांकि पेपर पे देखता हूं तो मुझे शर्म सी आती, यार मेरे पास केवल स्कॉलरशिप है, अगर मुझे बोलना पड़े मेरे से पूछ ले कोई क्या चला रखी है आपने, बताइए आप क्या कर रहे हो, तो क्या मेरे पास जवाब है? मैं सिर्फ स्कॉलरशिप से लेकर बोल सकता हूँ, ऑथराइज हूँ क्या मैं? तभी मैंने सीएम साहब से आगे चर्चा की, तो पहले वहाँ का बता दें। वहाँ जम्मू एंड कश्मीर के मिनिस्टर आए, अल्पसंख्यक मामलों को उन्होंने अपनी बात कह दी, वहाँ बिहार के आए उन्होंने अपनी बात कह दी, यूपी के मिनिस्टर आए उन्होंने अपनी बात कह दी, झारखंड के मिनिस्टर आए उन्होंने अपनी बात कह दी, ज़्यादातर बात सिर्फ उनको खुश करने वाली है, मंत्री नकवी साहब खुश हो रहे हैं। और मुझे दुख इस बात का हुआ, उनके अधिकारी केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के अधिकारी वो वहाँ 1.5 घंटा हमारा खा गए ये बताने में कंप्यूटर पे कि हम ये स्कीम चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, ये चला रहे हैं। भाई मंत्रियों को ये बता रहे हो क्या स्कीम चला रहे हैं आप, या अफसरों को बता रहे हो? ये तो आपको पता ही है। मैंने वहां कहा चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि ये स्कीम जो बनाई है ये फेल क्यों है, चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि ये जो स्कीम केंद्रीय सरकार ने बना रखी है क्या ये लोगों तक पहुंच पा रही है, और अगर नहीं पहुंच पा रही है तो इसके ना पहुंचने के कारण क्या है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। वहां मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 71 लोग आए, सारे अखबार टीवी पे चल गया, लेकिन मुझे उससे खुशी संतुष्टि नहीं है, टीवी पर चल गया ठीक है, कुछ लोगों को खुशी होती है टीवी पर मैंने बोला भी आ रहा है, कुछ लोगों को खुशी रहती है, मुझे इससे संतुष्टि नहीं है। मैंने आने के बाद ये संकल्प किया कि पहले तो मैं सीएम साहब से बात करके जो जो अल्पसंख्यक मामलों से जुड़े मुद्दे हैं वो सारे मुझे मिलने चाहिए, या मेरे पे जो जितना दे रखा इसे भी लेके किसी और मंत्री को, लेकिन इस समाज के विकास पे रणनीति बनाकर, ठोस रणनीति जो छोटी से छोटी कॉलोनी के अंदर बिल्कुल जहां लोग नहीं पहुंचते वहां तक उस स्कीम को पहुंचा सके। तो अब योजना बनाने का काम विद्वान लोगों का होता है, जो लोग उस पर पूरा स्टडी करते हैं। अब मैं यहां कह रहा हूं योजना बताओ, आपके दिमाग में जो बात आए क्या बोल देंगे, निश्चित तौर पे हर आदमी कुछ ना कुछ होता है, लेकिन एक होता है विधिवत तरीके से सारी स्कीम को पढ़ना जो पहले से चल रही है, क्या नहीं बनाई जा सकती उसको पढ़ना, क्यों नहीं पहुंच पा रही उसको डिस्कस करना, और उसके बाद में उस पर ये योजना बनाए कि ये स्कीम कैसे लोगों तक पहुँच पाए, इस पर फिर हम पूरी पॉलिसी तैयार करके और उस पर हम लोग काम करेंगे, क्योंकि ये वोट की राजनीति नहीं कर रही, वोट के लिए हम माइनॉरिटी को चिल्लाते रहे, दलित को चिल्लाते रहे, ये तो यही तो होता है, यानी एक स्कीम सेंटर की चल रही है लोन की, उस स्कीम में क्या है जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां जो जिनकी सालाना इनकम 65,000 है उनको लोन मिलेगा, दिल्ली में मिनिमम वेज 13,500 है, इसी हिसाब से लगभग 2 लाख रुपए तो साल की तनख्वाह हो गई, आपका 65,000 लिमिट है, 65,000 से ऊपर दिल्ली में तो सारे पैसे चुप करवा लेंगे, इनको तो लाभ मिलेगा नहीं आपकी स्कीम पे। और जो शहरी क्षेत्र है उनमें 1,20,000 है, जो शहरी क्षेत्र में लोग यार 1,20,000 से सकती, तो आपने ये जो
मतलब जो मैं मानसिकता पढ़ पाया, ये जो सातिर किस्म के जो ऑफिसर्स होते हैं, दे डिजाइन स्कीम इन अ वे टू फेल द प्रोसेस। यानी स्कीम इस तरह डिजाइन करते हैं ताकि स्कीम बन भी जाए, लोगों को दिखा भी दी जाए और वो फेल रहे, लोगों को उसका लाभ ना मिले। तो भाई हम चुप बैठने वाले लोगों में से हैं नहीं। मैं आज आपसे केवल इंट्रोडक्शन करूंगा, लेकिन एक बात याद आएगी उसको और बोल दूंगा। दो चीजें मेरे को समझ में आती है। पहली बात, जितना माइनॉरिटी है देश में, चाहे वो सिख हो, सिख माइनॉरिटीज में 70% दलित, ईसाई माइनॉरिटी में देश में 99.9% दलित, और मुस्लिम माइनॉरिटी में 90% दलित। कोई 200 साल पहले कन्वर्ट हुआ, कोई 300 साल पहले, कोई 400 साल पहले, कोई विदेश से आए हुए नहीं है। यही भारत के अंदर जो धर्म था उससे प्रताड़ित होकर दुखी होकर कन्वर्ट किया है। मैं इस बात को नहीं मानता कि जबरदस्ती कन्वर्जन कराया, जबरदस्ती 1-2% हो सकते हैं, बाकी लोग अपनी इच्छा से कन्वर्ट किए होंगे, वो अलग बात है। कि 100 साल पहले क्या हो, कि 200 साल पहले, किसने 300 साल पहले किया। लेकिन मैं एक दावे से कहता हूँ, इन सबके खून का एक सैंपल लेके SC ST का और माइनॉरिटी के लोगों का स्कूल का सैंपल लेके उसकी DNA जांच करा लो, अगर 99% का ये रिजल्ट ना आ जाए कि इनके पूर्वज एक थे, तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। इसीलिए जानबूझ के स्कीमें ऐसी बनाई जाती हैं। स्कीम तो बने, पर इस देश का दलित और माइनॉरिटी उसका लाभ लेके तरक्की के रास्ते पे आगे ना बढ़ पाए। वही मैं बता रहा हूँ। क्या आप हम इसको ऐसी चलने दे? क्या आप चुप बैठे रहे? क्या हमारे पास बुद्धि नहीं है कि लोग हमारा इस्तेमाल करते रहे ना होने दे? इसके लिए मुझे आपका एक सहयोग चाहिए, और वो सहयोग मांगने से पहले मैं छोटा सा प्रकाश एजुकेशन के एक फील्ड पे डालू। जो केंद्र में आज सरकार है उसको लगभग 4 साल, इससे जो पहले सरकार थी 10 साल रही UPA सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में, उनकी सरकार में एक पॉलिसी बनी, नो डिटेंशन पॉलिसी। क्यों बनी? उन्हें अच्छे से पता है कि ये जो पब्लिक स्कूल खुले हैं ये उनके अपने, और उनको उन्हें सफल बनाना है, तो उनको सफल बनाने के लिए सरकारी स्कूलों के शिक्षा के स्तर को गिराना जरूरी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कभी बच्चों ने या उनके पेरेंट्स ने या टीचर ने केंद्र की सरकार से ये डिमांड की थी कि आप नो डिटेंशन पॉलिसी लागू करो? जब बच्चों ने ये डिमांड नहीं की, उनके पेरेंट्स ने ये डिमांड नहीं की, टीचर्स ने ये डिमांड नहीं की, तो ये नो डिटेंशन पॉलिसी क्यों बनाई? क्या ये टारगेट करके बनाई कि सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं और गरीबों में मेजोरिटी जो संख्या है वो दलित और माइनॉरिटी? आप आंकड़े उठा कर देख लो अपने क्षेत्र के सरकारी स्कूलों, सर्वे कर लेना, जितने बच्चे उन सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे होंगे उसमें 80-90% बच्चे दलित और माइनॉरिटी के समाज से। तो क्या इन सरकारी स्कूलों को इन बड़े बड़े पूंजीपतियों की फैक्ट्री में काम करने के लिए जो मजदूरों की जरूरत है, इन सरकारी स्कूलों को मजदूर पैदा करने वाली कंपनी फैक्ट्री तैयार कर दी उन्होंने? इसको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। पहली से नौवीं तक ऐसी पास कर दो, आठवीं तक उसको पढ़ना लिखना नहीं आया, हिंदी की किताब नहीं पढ़ सकता, आठवीं तक पास हो गया, नौवीं में रूल बना दिया जो 2 बार फेल होगा। यानी कि उसे ऐसा बना दो कि वो किसी नौकरी के लायक तैयार ना हो। कितनी बारीकी से सोच समझ के, सोची समझी चाल के तहत योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र करके
इस पूरे के पूरे दलित माइनॉरिटी समाज के विकास को रोकने का षड्यंत्र बनाया गया। और हमारे पढ़े लिखे लोग भी पता नहीं क्यों इस गंभीर मुद्दे पर चिंतित नहीं होते, सोचते नहीं कि ये क्यों बन रहा है, इसके खिलाफ जो आंदोलन खड़ा हो जाना चाहिए था बहुत पहले। अब मैं लास्ट मुद्दे पे आऊंगा। हम अपने अपने पूरे दिल्ली के अंदर फिलहाल इसको शुरू करेंगे। आप माइनॉरिटी के अंदर जो ब्रेन है, यानी जो सोचने का काम कर रहे हैं, जो विद्वान लोग हैं समाज के, जिन्होंने बहुत समाज को आगे बढ़ाने के बारे में कई तरह की विचार तैयार किए अपने मन में, ऐसे लोगों के नाम पब्लिश हमें दो, उनसे हमें मिलवाओ, हमारी इज्जत कम नहीं हो जाएगी, आप कहोगे हम उनके घर चलेंगे, हम उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर लेंगे कि इस मुहिम में आप आपके आपकी विद्वता की हमें जरूरत, आप विद्वान है हमें पता लगा, पर आपकी विद्वता समाज के काम नहीं आ रही है, हमें इसे समाज के काम में लेना चाहते हैं, आप प्लीज हमारे साथ बैठिए, इसमें हम साथ में डिस्कस करेंगे और उनके साथ उनके दिमाग का इस्तेमाल करते हुए और अपना दिमाग उनके साथ जोड़ते हुए इस समाज के विकास की योजनाएं तैयार करेंगे। आप ये हाल कह के बताइए क्या ये अच्छा रहेगा, सहमत हैं आप? तो आप ऐसे विद्वान भैया नहीं, क्या आप विद्वान लिए जो बैठे हैं, आप भी विद्वान हैं, वहाँ से घर से चल के आए, इसका मतलब इस मुद्दे पर आप गंभीर बन रहे हैं, जो गंभीर नहीं है उसे आने की क्या जरूरत पड़ी, अपना काम छोड़ के आएगा। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, समाज के जो विद्वान लोग हैं पूरे दिल्ली के अंदर मित्र में दिल्ली से बाहर के भी हों, उनका भी स्वागत है, ऐसे लोगों से मिलो ताकि इस समाज का चहुमुखी विकास कैसे, देश को कहते हैं जी तरक्की करना है, उस तरक्की का हिस्सा क्या हम सबको भी मिल पा रहा है? अगर हमें नहीं मिल रहा फिर काहे की तरक्की, क्या हम इस देश के मूल निवासी नहीं है, क्या हम लोग इस देश का हिस्सा नहीं है, क्या तरक्की कुछ ही लोगों के हाथ में रह जाए, हमें उसका हिस्सा ना मिले? इन सारे मुद्दों पर हमें गंभीरतापूर्वक चर्चा करके प्लान तैयार करें, इसके लिए आप सबके मुझे बहुत सहयोग की जरूरत है, क्योंकि आप सहयोग नहीं करेंगे तो जो मुहिम हम लेके चल रहे हैं, जो दिमाग में प्लानिंग है, जितना मेरा दिमाग चलेगा मैं उतना काम कर लूँगा, लेकिन वो जो योजना मैं चाहता हूँ वो योजना एक एक घर तक पहुँचे, अखबार में छपने से नहीं पहुँचती, मेजोरिटी में हमारे लोग अखबार को बारीकी से नहीं पढ़ते, और जो विज्ञापन होता है सरकार का, जो योजना लोगों को देने का, हमारे लोग अखबार पढ़ते हैं या तो कलर पेज पढ़ेंगे, पिक्चरों वाला पढ़ लेंगे, और जैसे विज्ञापन है उस पेज को पलट के आगे पहुंच जाएंगे, वो ये नहीं देखते ये विज्ञापन में जो योजना हमारे समाज को लेके है, ये क्या कह रही है, ये क्या योजना है, ये कैसे लोग सब इसको पढ़ते नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस मुद्दा बेहद गंभीर है, 3 साल हमारी भी सरकार को इस तरह टॉर्चर किया जा रहा है कि सरकार इन विकास के मुद्दों पे योजना बनाने को मांग करने वाले फ्रंट पहुंचे भी लेकर इनसे लड़ेंगे योजना बनाए। तो मैंने सरकार से निवेदन किया है एक फ्रंट उधर खोल दो जो उनसे लड़ाई मुकाबला करता रहे, एक फ्रंट मुझे दे दो और मेरे जैसे और कुछ साथी दे दो जो हम अपने समाज के विकास की योजना बनाए। तो ये बंगला जो है आपका दिया हुआ है, ना आप वोट करते ना हम जीतते ना यहाँ तक कौन सा, इस बंगले का इस्तेमाल, इस बंगले और इस ऑफिस का इस्तेमाल इन समाजों के विकास की योजना बनाने पे कीजिए, इसको एक केंद्र बिंदु बना दो, इस केंद्र से हम योजना बनाएंगे अपने समाज के विकास की और हम लोगों को बताएंगे मूल निवासी इस देश के जितना तुम्हारा इस देश पे हक है उससे ज़्यादा हमारा है। इतिहास बताता है ये लोग बाहर से भी देशों से आए, लगभग 4,000 साल पहले आर्यन लोग भी देशों से आए, ये इतिहास बताता है, और आप डीएनए जांच करा लो, डीएनए प्रूव कर देगा कि हम मूल निवासी थे। हम ये नहीं कह रहे कि तुम बाहर से आए तो तुम्हें बाहर भेज दो, ये नहीं कह रहे, पर हम ये कह रहे हैं देश में जो जो रिसोर्सेज है, जो जो संसाधन है भाई, उसको समान रूप से हमें हिस्सा तो दे दो, हम तुम्हारा कुछ नहीं छीन रहे, तो हमारा हक है वो तो हमें दे दो भाई। एक घर में एक पिता होता है, वो एक प्रॉपर्टी बनाता है, वो भी अपने मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी बच्चों में समान रूप से बांटता है,
लेकिन क्या देश के संसाधन समान रूप से बटे हुए हैं? क्या हमें हिस्सा मिल रहा है? इन मुद्दों पे हमें चर्चा करनी है। तो आज चाय पीने के बाद हम लोग केवल इंट्रोडक्शन करेंगे और निवेदन करेंगे, आप अपना नाम भी लिख के देके जाए, फोन नंबर देके जाए, ईमेल आईडी हो तो वो भी दे, और भी विद्वान लोग जो आपकी नजर में हो, ऐसे लोगों को इस मुहिम से जुड़े, मिल बैठ के पूरा प्लान करेंगे, पूरी पॉलिसी बनाएंगे और एक एक घर तक उस पॉलिसी को बनाने पर हम लोग काम करेंगे।